हेलो फ्रेंड, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं चावल की खीर बनाने जा रही हूँ। चावल की खीर बनाना बहुत ही आसान है और बड़ा ही टेस्टी रेसिपी है। ये रेसिपी हम किसी भी फेस्टिवल पे बना सकते हैं। ये रेसिपी मेरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चावल का खीर बनाना शुरू करते हैं। चावल की खीर बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है चावल। चावल हम छोटी दाने वाला यूज किए हैं। शक्कर, शक्कर हमने 100 ग्राम लिया है। 10 काजू के टुकड़े, सेफ्रॉन 2 फींस, इलायची जिसका छिलका हटा के हमने दरदरा कूट लिया है, बादाम जिसको हमने लंबे शेप में काट लिया है, पिस्ता इसे भी हमने काट लिया है। चावल को हम आधा घंटा पहले भिंगो दिए हैं। इससे क्या होता है कि अपना खीर जल्दी पक जाता है। खीर के लिए हम 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिए हैं। दूध को हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे, नहीं तो दूध पेंदी में लग जाएगा। तो इसे हमें बराबर चला चला के उबालना है। अब अपना दूध में उबाल आना शुरू हो गया है, तो अब हम इसमें ये भिंगोया हुआ चावल को ऐसे छानेंगे और दूध में छोड़ देंगे। हमने चावल को 2 बार धो के अच्छे से फिर भिंगाया था, तो ऐसे हम सारे चावल को छान के और दूध में डाल देंगे। सभी चावल को हम इसमें डाल देंगे और 10 मिनट तक हम इसको चला चला के पकाएंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि चावल कैसा पका है अपना। चावल को दूध में हम 10 मिनट तक चलाते हुए पकाए हैं। गैस का फ्लेम हम हाई टू मीडियम रखे थे। अब हम इसमें से एक चावल का दाना निकालेंगे और ऐसे दबा के देखेंगे, तो आप देख सकते हैं चावल गल गया है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे शक्कर, तो शक्कर को डाल के हम 1 मिनट तक इसे चलाते हुए और पका लेंगे, जिससे शक्कर का कच्चापन दूर हो जाएगा। आप देख सकते हैं चावल और दूध अपना एकदम बराबर पक चुका है, इसका थिकनेस सही हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें कटा हुआ बादाम, कटा हुआ काजू, कटा हुआ पिस्ता, हम थोड़ा सा बचा रहे हैं जिसे हम गार्निश में यूज करेंगे, और ऊपर से हम डालेंगे इलायची पाउडर और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब साथ में हम डालेंगे सेफ्रॉन और इसे भी डाल देंगे। सेफ्रॉन ऑप्शनल है, इससे डालने पर खीर का कलर और टेस्ट दोनों बहुत ही सुंदर हो जाता है। अब हम इसे 1 ही मिनट तक पकाएंगे। देख रहे हैं खीर का थिकनेस अपना बराबर हो गया है। हम ऐसी खीर को गिराएंगे तो दूध और चावल साथ में गिरना चाहिए, तो आप समझ जाइए खीर का थिकनेस सही है। अब इस स्टेज पे हम गैस को ऑफ कर देंगे और एक सर्विंग बाउल लेंगे, उसमें हम खीर को सर्व करेंगे। अब हम इसपे थोड़ा सा ये ड्राई फ्रूट जो है उससे गार्निश करेंगे, तो आप देख सकते हैं अपना चावल का खीर बनकर तैयार है। इसे आप भी टेस्ट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।